सोनभद्र के म्योरपुर के हनुमान मंदिर छठ घाट पर चल रहे छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार को भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व संपन्न हुआ। छठ पूजा का महापर्व भारत सहित कई देशों में मनाया जा रहा है। बताते चले कि यह पर्व सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। छठ का महापर्व मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। व्रती महिलाएं पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। छठ घाट पर शिरकत करने पहुंचे मुख्य अतिथि दुग्धी विधायक हरि राम चेरो व ओबरा विधायक संजय गोड प्रणांग में पहुंचे सबसे पहले उपासना कर रही व्रती महिलाओं का आशीर्वाद लिया। दोनों विधायकों का स्वागत जय बजरंग सेवा समिति द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागतम किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पूजा का आयोजन करा पाना बहुत ही गर्व की बात है। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मौके पर ग्राम प्रधान लालता जय सवाल, सोब बच्चा अग्रिहरि, मुख्य संरक्षक मान सिंह गोट, जय बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष गणेश जायसवाल, कोषाध्यक्ष अंकित जायसवाल सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। में क्या व्यवस्था किया गया है? जय बजरंग सेवा समिति की तरफ से पूरे छठ घाट की सफाई, माताओं बहनों को बैठने के लिए पूरी व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, साथ में जागरण की व्यवस्था की गई है, जिससे जो है माताओं को जो है व्रत में कोई कष्ट न महसूस हो, समय कटता रहे। और इस कार्यक्रम में दिवाली छोटा पागल भी आ रहे हैं बनारस से, जो हम सभी लोगों का जो है माँ के हम लोग काम करेंगे, जो है मनोरंजन करेंगे और समय हमारा बिताएंगे। पहले और अब में छठ घाट पर क्या अंतर आया? पहले क्या था कि हम लोग गांव विक्रम मनाते थे, अब हम लोग बिहार विक्रम मनाते हैं। अब यहाँ पर व्यवस्था बहुत हो गई है, जागरूकता बढ़ गया है, पर्व की महानता को सभी लोग समझ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर व्यवस्था को देखते हुए दूर दूर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से भी माता एवं बहनें छठ करने के लिए आती है, जिनको हम लोग पूरी व्यवस्था देने की प्रयास करते हैं। साथ में प्रशासन भी हम लोगों का पूरा सपोर्ट कर रहा है। भीड़ यहाँ कितना हो जाती है छठ घाट पे? लगभग 25-30 हज़ार भीड़ सभी तरीके से है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं नदी में उतर कर भगवान भास्कर का होने का इंतजार कर रही है। बताते चले कि एक छठ पूजा 3 दिन से चलता है, नहाए खाए से शुरू होता है, खरना होता है, फिर दूसरे दिन महिलाएं घाट पर आती हैं और रात भर घाट पर ही रहती हैं। रात भर घाट पर रहने के बाद सुबह में जैसे ही सूर्योदय होता है, पहला अर्घ सूर्य भगवान को दे के व्रती महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं। बता दें आपको कि इस बड़ी आयोजन को जय बजरंग सेवा समिति यहाँ मेरपुर की करा रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम हुआ। रात भर देवी जागरण का कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में विधायक, दो विधायक आए थे और गांव के संभ्रांत लोग भी आए थे। अब जागरण अपने समाप्ति की ओर है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देंगी और अपने अपने घरों को चले जाएंगी। सोनभद्र से समाचार एक्सप्रेस से पंकज सिंह। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।